अरे कोटेज से फोन, लगता है कोई आया है। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जी मैम, जी मैम मैम, खाने में मैम मटर पनीर है, मिक्स वेज है, रायता है, चपाती है मैम, चावल, हाँ जी हाँ जी, राइस। ओके मैम। अच्छा ये बताइए मैम, मीठे में क्या लोगे आप? अरे फोन ही काट दिया। मैम आपका खाना लाया हूँ। ओके, टेबल पे रख दो, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे ये क्या हुआ? मैडम, मैडम कहाँ हो आप? अरे इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? हाँ भैया। जी भैया, ठीक है, कल सुबह निकलता हूँ। ठीक। हाँ अंकुश, सबको बोल दो रेडी हो जाए कल, घूमने चलते हैं कहीं। ठीक है। अरे यार, यहाँ तो दो रास्ते हैं, इनमें से कॉटेज का रास्ता कौन सा है? अरे यार यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, अब किससे पूछें? चलो उतर के देखते हैं। अरे देखो वहां कोई बैठा है, चलो उससे रास्ता पूछते हैं। अरे ये तो कोई बाबा है, रुको मैं पूछता हूँ। बाबा जी प्रणाम। कौन हो तुम लोग? यहाँ पास में कोटेज है, उसका रास्ता पूछना था। क्यों खुद की बर्बादी चाहते हो? चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? वो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। बाबा जी आप हमें सिर्फ रास्ता बता दीजिए। यहाँ से आगे एक मोड़ है, वहाँ से ऊपर चले जाना, वही है तुम्हारा कॉटेज। जय महाकाल। क्या बाबा था यार? हाँ यार पता नहीं। आ गई अपनी मंजिल। वाह तेरे भाई ने क्या जगह खरीदी है, मजा आ गया। अरे वो सब तो ठीक है, पहले इन दोनों को तो उठा लो, पूरे रास्ते सोते हुए आए। अरे लगता है कुंभकर्ण के रिश्तेदार हैं। अंकुश और मोहित उठ जाओ, अब आ गया कॉटेज। अरे यार आ रहे हैं भाई। देखें तो कहाँ आ गए। सचिन ये हमें कहाँ लेके आ गया तू? क्या हुआ?
यहाँ पर हम पहले भी आ चुके, बहुत मुश्किल से निकले थे। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चल यहाँ से। अच्छा चलो हम भी देख लेते हैं ऐसा क्या है कॉटेज में। चलो यार। हाँ हाँ चलो यार। अरे यार आज तो बहुत थक गए घूमकर। हाँ यार चलो चलो सोते हैं। सचिन सचिन क्या हुआ प्रिया? मेरे रूम में कोई लड़की है। अच्छा क्या बात है, क्या हुआ प्रिया? क्यों चिल्ला रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, लेकिन ये लोग तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अरे लगता है तुम दोनों की शरारत है। अरे यार जब से आए पता नहीं क्या बकबक कर रहे हैं। अरे यार तुमने कोई सपना अपना देखा होगा। नहीं मैं सच बोल रही हूँ। अरे यार मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाँ यार ये भी ऐसे ही हो गई है। प्रिया डरो मत, जाके सो जाओ, मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सो जाओ यार, तुमने भी क्या सबको डरा रखा है। जिसका डर था वही हो गया। लगता है रश्मि वापस आ गई है, लेकिन कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा, हमने तो उसे कैद कर दिया था ना।
मोहित, अंकुश वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, चाय पी लो। हमारा मूड नहीं है, तुम लोग पी लो। लगता है रात की बात को लेके टेंशन में है दोनों। हो सकता है। और ये सचिन कहाँ है, आया नहीं अभी तक? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सचिन। अरे इन दोनों को क्या हुआ है? पता नहीं है यार, जब से आए हैं ना तब से वहीं खड़े हैं। और उन्होंने चाय भी नहीं पी। अच्छा अंकुश, क्या हुआ मेरे भाई, तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो? सचिन, तुझे नहीं पता हम कितनी बड़ी मुसीबत में, अभी भी समय है, चलो यहाँ से। अंकुश सही कह रहा है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं, वरना रश्मि किसी को नहीं छोड़ेगी। रश्मि? अच्छा, लड़की या बिजली का तार जो छूटती नहीं? तुम हमारी बात समझ नहीं पा रहे हो, कल रात हमने उसको इस कॉटेज के गार्डन में देखा था, वही चेहरा, वही गुलाबी ड्रेस, वही सफेद आंखें। अरे यार, तुमने देखा तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, हम भी देख लेते रश्मि और उसकी गुलाबी ड्रेस कैसी है। अगर तुम यहाँ से जल्द नहीं निकले ना तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि रश्मि और उसकी गुलाबी ड्रेस कैसी है। अरे यार, आज वहीं खड़े खड़े दिन खत्म कर दोगे क्या, या कहीं चलना नहीं? अरे हाँ हाँ, कहीं चलो यार। हाँ हाँ चलते। चलो यार, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, तुम दोनों को कोई वहम हो गया होगा, चलो चिल करते हैं। चलो चलो चलो। रिंकू, राहुल दरवाजा खोलो। रिंकू, रिंकू, राहुल, रिंकू। सचिन इतनी रात को आवाज क्यों लगा रहा है? चलो देखते हैं। राहुल, रिंकू दरवाजा खोलो। अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है हमारा वहम होगा, आ जाओ यार। यहाँ पे तो काफी अंधेरा है, सब लोग अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लो। सचिन, 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 सचिन।
सचिन दिखाई दिया किसी को? नहीं। सचिन को क्या हुआ है? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ मत रुको, अब भुगतो। अब क्या करें? कोई तो होगा जो हमें इस मुसीबत से बचा सके। हमें उन बाबा के पास चलना चाहिए जो हमें मिले थे। हाँ ये सही कह रहा है, चलो। हाँ जल्दी से चलो। बाबा जी आप अच्छा हो बाबा जी आप आ गए। बाबा जी हमारे दोस्त को बचा लो। उसने हमारे दोस्त को अपने वश में कर लिया है। मुझे तो पहले ही पता था तुम लोग के ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए मैं कॉटेज के आसपास रहता था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। सचिन रश्मि छोड़ दो हमारे दोस्त को। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। सचिन जितना जल्दी हो सके इस कॉटेज की सीमा को जल्दी पार करो, मैं इस शक्ति को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। जाओ बाबा जी, चलो 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 चलो।